difference. Next is simple wheel and axle. So जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, इसमें हमारे दो व्हील्स होते हैं जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया एक व्हील वन एंड व्हील टू. दोनों का साइज अलग होता है, जो हमारा एफर्ट है उसका साइज बड़ा है और जिस पे लोड है उसका साइज कम है. यहाँ पे जो दोनों व्हील हैं वो एक ही शाफ्ट पे की से लगे होते हैं. सो अगर हम शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो दोनों व्हील एक साथ रोटेट करेंगे और इस शाफ्ट को दोनों एंड्स पे बॉल बियरिंग की मदद से सपोर्ट करते हैं. बॉल बियरिंग पे माउंट किया होता है. सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक व्हील पे रस्सी को या जो रोप को लपेट कर उसके एक सिरे पर पी एफर्ट लगा जाता है और जबकि जो व्हील है छोटा जिसका टायर है उस पर डब्लू वेट को हम सपोर्ट करते हैं. सो डी डाया है एफर्ट व्हील का, कैपिटल डी. स्मॉल डी जो हमारा लोड व्हील है उसका डाया है. डब्लू है हमारा वेट और पी है हमारा एफर्ट. तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये दोनों व्हील शाफ्ट पर एक ही शाफ्ट पे की है, की से लगे हुए हैं, तो जब शाफ्ट का एक रोटेशन होगा तो दोनों का एक रोटेशन होगा, दोनों व्हील का. तो अगर हमें VR निकालना है तो हमें P और W दोनों के मूवमेंट या डिस्टेंस मूव निकालना है. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील, हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा शाफ्ट है एक रिवॉल्यूशन एक चक्कर लगाती है तो उसमें कितनी दूरी हमारा एफर्ट चलेगा. तो वो चलेगा ये सरकमफेरेंस ऑफ व्हील के बराबर होगा जो है पाई इंटू कैपिटल डी. ऐसे ही जो हमारा लोड है वो स्मॉलर व्हील पर वाउंड है तो उसका भी एक चक्कर होगा तो उसकी भी सर्कमफेरेंस के बराबर हमारा लोड मूव करेगा जो होगा पाई इंटू स्मॉल डी क्योंकि उसका डाया कम है. तो हमारे पास डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय लोड आ गई है तो हम वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं पाई डी बाई पाई डी कैपिटल डिवाइड बाय पाई डी स्मॉल. सो इट विल वी विल गेट डी बाय डी और हम मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी यहां से निकाल सकते हैं. फ्रेंड नेक्स्ट इज डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल. ये जो हमने सिंपल व्हील एंड एक्सल देखा उसी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है. इसमें हमें जो वेलोसिटी रेशियो है उसकी वैल्यू सिंपल व्हील एंड एक्सल से हायर मिलती है. सो डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा पहला सिंपल व्हील इलेक्शन था उसमें सिर्फ हमारे दो व्हील्स थे, एक पर एफर्ट था और दूसरे पर हमने लोड लगाया हुआ था. यहाँ पे एफर्ट व्हील तो सेम है लेकिन जो लोड है हमारा वो एक रोप के एंड पे ना लग के रोप के बीच में है और उसका स्ट्रिंग स्मॉलर जो व्हील है उससे वाउंड होके एक हायर व्हील पर आके लिपट रहा है या बाउंड होगा. सो ऐसे में होता क्या है कि जो एक रिवॉल्यूशन में तीन, यहाँ पे भी तीनों के तीनों व्हील एक ही शाफ्ट पर कीड है, मतलब अगर शाफ्ट का एक रिवॉल्यूशन होगा तो सभी जो व्हील्स हैं उनका भी एक रिवॉल्यूशन होगा. सो आप जैसे समझ सकते हैं कि ये हमारा जो पुली है या व्हील है वो स्मॉलर डायर का है तो एक रिवॉल्यूशन में जो यहाँ से रोप लूज होगी वो होगी पाई डी टू और यहाँ पे सेम एक रिवॉल्यूशन में जो रोप इस पर वाउंड होगी वो होगी पाई डी वन जहाँ पे डी वन बड़ा है. तो हमारे पास जो रोप है वो लूज कम होगी और इस पर वाउंड ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि ये रोप ऊपर की तरफ में मूव करेगी जिसके साथ हमारा वेट भी ऊपर की तरफ मूव करेगा. सो हमें इसके लिए एक वी आर कैलकुलेट करना है. तो इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ शाफ्ट, मान लेते हैं कि शाफ्ट का एक रिवॉल्यूशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना होगा जो इस बड़े वाले व्हील की व्हील वन की सर्कमफेरेंस है उतना ही एक रिवॉल्यूशन में ये एफर्ट हमारा नीचे आएगा. सो ये पाई डी. अब बात करते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाउंड ऑन व्हील टू. जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो हमारा सेकेंड व्हील है उस पर रोप हमारा ये डिस्टेंस होगी
ये डिस्टेंस होगा पाई डी वन, और जो हमारा अनवाउंड होगा फ्रॉम व्हील थ्री वो होगा पाई डी टू. सो पाई डी वन माइनस पाई डी टू हमारा जो होगा ये होगा जो रोप हमारा वाउंड हो रहा है. सो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट होगा वो इसका हाफ होगा. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट इज इक्वल टू हाफ पाई डी वन माइनस पाई डी टू. सो हम वी आर निकाल सकते हैं. वी आर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं पाई डी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट होगा हमारा हाफ पाई डी वन माइनस पाई डी टू. तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 2D डिवाइडेड बाय D1 माइनस D2. तो इसकी मदद से हम MA और फिर फाइनली एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट लिफ्टिंग मशीन इज वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली ब्लॉक. जैसे कि यहाँ पे फिगर से हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा यहाँ पर दो पुली हैं, दो पुली ब्लॉक हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जिसमें ऊपर जो है वो है उसमें एक साथ दो व्हील्स हैं पी वन और पी टू, और नीचे वाला जो ब्लॉक है उसमें एक पुली है. तो यहाँ पे जो ऊपर की दोनों पुली हैं पी वन और पी टू एक ही शाफ्ट पे लगी हुई हैं, तो वो दोनों एक ही साथ घूमती है, और जो नीचे वाला ब्लॉक है ये मूवेबल है, ये ऊपर या नीचे जा सकता है. सो और इन जैसे कि हम फिगर से देख सकते हैं एक एंडलेस चेन इसमें लगी होती है, इस पर कहीं पे भी ये सिरा नहीं है, ये कंटिन्यूस चेन है जो इस तरीके से हम इस पूरे पुली सिस्टम को एंगेज करते हैं, और एफर्ट हम लगाते हैं जो पी वन पुली है बड़ी सबसे बड़ी पुली उससे जो रोप चेन बाहर निकल रही है उस पर हम लगाते हैं एफर्ट, और ये चेन स्लिप ना हो इसलिए जो हमारा ये ऊपर वाला ब्लॉक है इसकी दोनों पुली पी वन और पी टू में का जो ग्रूव्स है ग्रूव्स में प्रोजेक्शन बने होते हैं, जैसे गियर जैसे आप समझ सकते हैं, या फिर जैसे चेन का साइकिल की एक स्प्रॉकेट होती है जिस पर चेन घूमता है, उस तरह का प्रोजेक्शंस इस पुली में के ग्रूव में बने होते हैं जिससे कि चेन जो है वो स्लिप ना. सो अब इसका अगर हमको वी आर कैलकुलेट करना है वेलोसिटी रेशियो, तो हम देखते हैं डी है जो हमारी पी वन पुली है उसका डाया, स्मॉल डी है पी टू पुली का डाया, डब्लू जो वेट हमको उठाना है, और पी है एफर्ट. सो अगर ऊपर वाली पुली का जो पुली ब्लॉक है वो एक राउंड घूमता है एक रिवॉल्यूशन लगाता है तो उसमें हमारा एफर्ट कितना चलेगा, एफर्ट हमारा मूव करेगा पी वन के सर्कमफेरेंस के बराबर, तो वो होगा हमारा पाई इंटू कैपिटल डी. अब यहाँ से जो रोप पाई डी लूज होगी वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ पर, और लेकिन ये जो पी टू वाला जो पुली है ये भी इसी के साथ रोटेट हुआ है, तो यहाँ से भी कुछ लूज हो जाएगी जो वो किसके बराबर होगी, पाई डी, जहां पे डी हमारा स्मॉल डी है इसका डाया. तो यहां पे देख सकते हैं कि चेन रिलीज्ड बाय स्मॉल पुली, तो जो हमारी स्मॉल पुली है इससे जो चेन एक रिवॉल्यूशन की वजह से यहां पे लूज होगी वो होगी पाई स्मॉल डी, और हम ये भी समझ सकते हैं कि जो पी वन जो पी में यहां पे पाई और कैपिटल डी जो चेन हमने खींची है वो कहां से आएगी, वो इस पुली से यहां से आ रही है क्योंकि ये कंटिन्यूस चेन है, जो यहाँ बी पुली से जो चेन जा रही है वही हमारे पी के ऊपर से पी वन के ऊपर से रोटेट होके आ रही है, तो जो हम पी हमारा हमने पुल किया है वो सेम यहाँ से आ रहा है. सो अब समझ अगर हम इस वाले पुली को कंसिडर करें तो यहाँ से ये पाई डी कैपिटल ऊपर की तरफ रोप पुल हो रही है, और यहाँ से इसको पाई इंटू स्मॉल डी रोप मिल रही है, तो टोटल जो डिफरेंस होगा जो यहाँ पे शॉर्ट होगी वो होगी पाई डी पाई कैपिटल डी माइनस पाई स्मॉल डी, और जो हमारा वेट होगा वो इसके हाफ
जो शॉर्ट हुई है उसके हाफ के बराबर ऊपर जाएगा, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस ही शॉर्ट हुआ है पाई डी माइनस डी, ये हमारा दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स एक बार मैं दोबारा बताता हूँ हमारा जो ये डिस्टेंस कैसे आया है, कि जो ये पी वन से हमने डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन में पुल किया है पाई डी वन, वो हमें इस वाली रोप से ही मिल रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूस रोप है, और ये दोनों एक साथ घूमते हैं तो यहाँ से कुछ रोप लूज हो जाएगी जो होगी पाई स्मॉल डी, और इन दोनों का डिफरेंस हमारी शॉर्टनिंग बताएगा और हमारा वेट उसका आधा मूव करेगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं वी आर। तो वी आर है जैसे कि हमको मालूम है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय वेट। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट हम निकाल चुके हैं वो है पाई कैपिटल डी, और जो हमारा वेट है वो इसका हाफ डिस्टेंस मूव करेगा, तो हाफ इंटू पाई डी माइनस डी। अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा टू डी डिवाइड बाई डी माइनस डी। और एम ए मैकेनिकल एडवांटेज हम डब्ल्यू बाई पी से निकाल सकते हैं और फिर हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंपल स्क्रू जैक, ये लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। सो इसमें एक स्क्रू होता है जो नट में मूव करता है, और जो इसका टॉप प्लेटफॉर्म है उस पर जो वेट हमको लिफ्ट करना होता है वो लगा होता है, उसी ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में एक हैंडल दिया होता है जिस पर हम एफर्ट पी लगा के इसको रोटेट करते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते हैं हमारा जो वेट है वो ऊपर की तरफ में मूव करता है। सो जो ये हमारा स्क्रू जैक है वो इंक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जो हम लास्ट फ्रिक्शन के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने डिस्कस किया है। सो एल एल इक्वल टू लेंथ ऑफ एफर्ट आर, पी इस स्क्रू की जो थ्रेड्स हैं उसकी पिच है, डब्ल्यू जो हमारा लोड हमको लिफ्ट करना है, एंड पी जो हम एफर्ट लगा रहे हैं। तो अगर हमारा ये एफर्ट को हम एक रिवॉल्यूशन पूरा देते हैं सो कितना डिस्टेंस ये टर्न करेगा वो होगा 2 पाई एल, और ये रेडियस जो है एल के बराबर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इन वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई एल, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इन वन रेवोल्यूशन इज जो हमारा एक रेवोल्यूशन में जो स्क्रू है वो 1 पी के बराबर, यानी कि जो स्क्रू की पिच होती है उसके बराबर मूव करता है एक रेवोल्यूशन में। सो लोड डिस्टेंस मूव बाय लोड इज इक्वल टू पी। यहाँ से हम वी आर कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, तो 2 पाई एल डिवाइडेड बाय पी। उसके बाद एम ए और एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जो स्क्रू है वो हमारा मल्टी स्टार्ट है यानी कि एक से ज़्यादा थ्रेड्स उसमें कटे हुए हैं, तो हमारा जो ये डिस्टेंस मूव्ड वन रिवॉल्यूशन में वो हो जाएगा एन पी, जहाँ पे एन होगा हमारा नंबर ऑफ स्टार्ट्स। सो मल्टी स्टार्ट के लिए हमारा जो ये जितने नंबर ऑफ स्टार्ट होते हैं उतने टाइम्स पी के एक रिवॉल्यूशन में मूवमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज वर्म एंड वर्म व्हील। इस अरेंजमेंट में हमारे पास एक स्क्रू या थ्रेडेड पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वर्म, और इसकी जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक गियर इसके साथ में एंगेज होता है या अटैच्ड होता है जिसको हम बोलते हैं वर्म व्हील, और वर्म के एक एंड पे एक पुली या व्हील अटैच होता है जो होता है एफर्ट व्हील, जिस पे हम एफर्ट पी लगा के इस पूरे अरेंजमेंट को मूव करते हैं। सो जब हम एफर्ट पी लगाएंगे तो ये व्हील रोटेट होगा जिसके साथ में ये वर्म रोटेट होगा, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो वर्म के थ्रेड हैं वो वर्म व्हील के गियर के साथ अटैच्ड हैं, तो जैसे जैसे वर्म घूमेगा ये गियर भी जो वर्म व्हील है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जो वर्म व्हील है उसी की एक्सिस पे एक पुली हम अटैच करते हैं जिस पे हमारा एक रोप की सहायता से वेट को हम लटकाते हैं।
या वेट हमारा लटका होता है। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा गियर हमारा रोटेट करेगा और वेट हमारा ऊपर इसमें लिफ्ट हो। सो वी आर कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, तो पहले देख लेते हैं जो हमारे डायमेंशन हमने एज्यूम करी है। सो कैपिटल डी इज डाया ऑफ एफर्ट व्हील, आर इज रेडियस ऑफ लोड ड्रम जिसपे हमारा वेट लगा हुआ है, डब्ल्यू वेट, पी एफर्ट अप्लाइड एंड टी आर द नंबर ऑफ टीथ ऑन दिस वर्म व्हील, जो इस पर जो एक वर्म व्हील है इस पे जो टीथ हमारे हैं उस वो है टी। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इन वन रिवोल्यूशन विल बी पाई डी, एक चक्कर में ये अपने सर्कमफेरेंस के बराबर पी हमारा मूव करेगा। और साथ ही क्योंकि ये दोनों एक ही शाफ्ट पे हैं वर्म और एफर्ट व्हील, तो इसके एक रिवोल्यूशन में इसका भी एक रिवोल्यूशन होगा और इसके वर्म के एक रिवोल्यूशन में हमारा जो वर्म व्हील है वो एक टीथ के बराबर आगे मूव करेगा। सो इन वन रिवोल्यूशन लोड ड्रम विल टर्न बाय वन टीथ, तो एक टीथ में हमारी डिस्टेंस जो मूव करेगा ये पूरा 2πr टर्न करेगा जो ये वाला लोड ड्रम है इसकी रेडियस r है। सो ये जब वर्म व्हील पूरा एक चक्कर लगाएगा तो ये डिस्टेंस जो वेट हमारा मूव करेगा वो होगा 2πr, लेकिन हमारा जो व्हील है वो सिर्फ एक टीथ के बराबर मूव कर रहा है, तो 1/T हम उसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टीथ में कितना डिस्टेंस मूव हुआ वो हमें मिल जाएगा। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड विल बी गिवन बाय 2πr/T। सो वी आर एम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, सो पाई डी डिवाइडेड बाय 2πr/T। इसको रीअरेंज करेंगे तो 2dT/2r हमको मिल जाएगा। ये केस है अगर हमारा वर्म जो है वो सिंगल स्टार्ट है, जैसे कि हमने लास्ट मशीन के लिए भी बताया था, अगर ये वर्म हमारा मल्टी स्टार्ट है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वी आर इक्वल टू dT/2nr, जहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ स्टार। सो हम इसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं और एफिशिएंसी ऑफ मशीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मशीन इज सिंगल क्रैब विंच। इस सिस्टम में हम गियर्स का यूज करते हैं हमारे कोई भी वेट को लिफ्ट करने के लिए, जैसा फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे दो गियर होते हैं T1 एंड T2 जो आपस में मैच करते हैं। गियर ए है जिसके एक तरफ लोड ड्रम लगा होता है जिस पे हम वेट को वाउंड करते हैं, इसका रेडियस है R जो ये ड्रम है आप देख सकते हैं, बाकी शाफ्ट से इसका साइज थोड़ा ज़्यादा है जिससे कि हमको ज़्यादा डिस्टेंस मूव करने में मदद मिले। और दूसरा जो गियर है वो है गियर बी, इसको हम पिनियन भी बोलते हैं, और इसके साथ में एक लीवर अटैच होता है जिसकी डिस्टेंस है एल और जहाँ पे हम एफर्ट पी लगाते हैं। सो T1 इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर वन, इस गियर पर जो नंबर ऑफ टीथ T1 है, T2 नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी, इस गियर पर नंबर ऑफ टीथ, L लेंथ ऑफ हैंडल, R रेडियस ऑफ लोड ड्रम। सो वी आर कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इन वन रिवोल्यूशन। सो जो हमारा एफर्ट है वो यहाँ पे लग रहा है P, तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो करेगा 2πr और R है हमारा L, सो डिस्टेंस इज 2πl। नाउ अब जब ये वाला शाफ्ट हमारा एक रोटेशन कर रहा है तो उसके साथ में ये जो गियर है ये भी एक रोटेशन करेगा क्योंकि सेम शाफ्ट पे लगे हुए। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय पिनियन बी 1, और इस गियर बी के साथ में हमारा गियर ए अटैच्ड है तो हम इसके रिवोल्यूशंस निकाल सकते हैं बाय गियर लॉ। सो हम जैसे जानते हैं कि NA into TA = NB TB, ये हमारा बाय गियर ऑफ लॉ हमको मालूम है। सो यहाँ से हम NA निकाल सकते हैं, NA हमारा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और T है हमारे नंबर ऑफ टीथ्स। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ A को हम NB into TB / TA से निकाल सकते हैं। NB है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ गियर B, वो हम ऑलरेडी 1 है, और TB हमारा
टीथ ऑन गियर बी वो है टी टू और टी ए है टीथ ऑन गियर ए जो वो है टी वन. तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय ए हो गया टी टू बाई टी वन. सो जब हमारा एफर्ट एक रिवोल्यूशन चलेगा तो जो हमारा गियर ए है वो डिस्टेंस मूव करेगा, उसका रिवोल्यूशन होंगे टी टू बाई टी वन. सो एक रिवोल्यूशन में, क्योंकि जितना रिवोल्यूशन गियर ए लेगा उतना ही रिवोल्यूशन हमारा ड्रम भी लेगा, तो हम डिस्टेंस डिस्टेंस मूव करेगा वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वेट है वो ड्रम के ऊपर, जो वेट है वो हमारा ड्रम पे ड्रम के ऊपर उसको रोटेट रोप की मदद से वेट को लटकाया जाता है. तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ रोटेशन बी के गियर ए के जैसे हमने निकाल लिए और जो डाया है उससे हम इसका सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हैं. सो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड विल बी गिवन बाय 2πr और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ गियर ए, क्योंकि गियर ए और ड्रम के रिवोल्यूशन सेम होंगे क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट में हैं. तो 2πr इंटू टी टू बाई टी वन. सो हम वी आर निकाल सकते हैं, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड जो होगा 2πl डिवाइडेड बाय 2πr इंटू टी टू बाई टी वन. सो इसको सॉल्व करेंगे तो एल बाई आर इंटू टी वन बाई टी टू, ये हो गया हमारा वी आर. ऐसे ही हम एम ए निकाल सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू बाई पी और एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जो सिंपल मशीन्स का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें. जो सिंपल मशीन्स के पार्ट वन और पार्ट टू है उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हमें वीडियो बनाएंगे दैट विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट्स में. थैंक यू.